हेलो फ्रेंड, मैं राशि। आज मैं बना रही हूँ मूंग की दाल से मंगोड़ी, जो कि मैंने बड़ी वाली जो खड़ी मूंग की दाल रहती है, जैसे मतलब गोल बिल्कुल वैसी रहती है, टूटी हुई नहीं रहती, उसकी मंगोड़ी बना रही। तो इसको मैंने रात भर भिगो के रखा था और फिर मैंने इसको अच्छे से वॉश करके मिक्सर में पीस लिया है। देख सकते हैं आप, इस तरीके से हमें दरदरा पीसना है। और इसमें मैंने थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा मैंने हरा धनिया नहीं, हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट बना के डाला है। मैंने 2 से 3 हरी मिर्च ली है। अगर आपको ज़्यादा तीखा नहीं पसंद तो आप 1 हरी मिर्च दे सकते हैं और थोड़ा सा अदरक। इसको हमने अच्छे से पीस के मिक्स कर लिया है मिक्सर में। ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा हमारा मिक्सचर बना है। अब इसमें मैं 1 कटोरी से ज़्यादा मूंग की दाल थी, 1.5 कटोरी, तो मैं 1 कटोरी इसमें बेसन ले रही हूँ। तो ये बेसन ऐड कर रही हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा डाल के ऐड कर रही हूँ। इसमें अभी हमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है, नहीं तो हमारी मंगोड़ी बेकार बनेगी। आप लोग घर पे बनाते होंगे, ये मेरे हिसाब से मैं मंगोड़ी बना रही हूँ, तो मेरे घर में जैसे बनती है वैसे बना रही हूँ। तो इसमें मैंने सारा बेसन ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूंगी, तो मैं इसमें कुछ मसाले ऐड कर रही हूँ। तो पहले मैं इसमें लहसुन का थोड़ा सा पेस्ट डाल रही हूँ, आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं डाल स्किप कर सकते हैं। अब इसमें डालनी थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं डालना, धना पिसा धना आधी चम्मच, आधी चम्मच से थोड़ी सी कम हल्दी पाउडर, क्योंकि इससे हल्दी से इसमें अच्छा टेस्ट आएगा। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें सौंफ, तो मैंने लगभग ये 1 चम्मच सौंफ ली है। सौंफ से इतने मंगोड़ी में बहुत ही अच्छा क्रिस्पीपन आता है। और ये ले रही हूँ मैं थोड़ा सा जीरा, बिल्कुल थोड़ा सा, 2 पिंच। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें अजवाइन, अजवाइन से इसमें मतलब हमारे उस अच्छा रहेगा हाजमे के लिए। तो अब मैं इसको हाथ से क्रश करके डाल रही हूँ अजवाइन इस तरीके से। ये हमने सब चीज़ डाल दी है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ खूब सारा हरा धनिया। इसमें मैंने प्याज वगैरह कुछ भी नहीं डालना, बस हरा धनिया से, हरा धनिया में अच्छा डालना है इसमें। तो फ्रेंड, अब हम इसमें लास्ट में डाल रहे हैं काला नमक। तो मंगोड़ी में काले नमक से इतना अच्छा टेस्ट आता है, तो मैंने अपने अकॉर्डिंग जितना नमक आप अपने स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल सकते हैं। तो आप ज़्यादा नमक खाते हैं या कम, पहले काला नमक ही उस हिसाब से डालिए। और थोड़ा सा हम वाइट नमक डाल रहे हैं, तो थोड़ा सा मैंने वाइट नमक डाला है, मतलब इतनी चम्मच, क्योंकि आप अपने स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए। काला नमक जितना डालें उतना अच्छा लगेगा। और बस इन सबको अब हमें मिक्स करना है, तो हम हाथ से ही मिक्स करेंगे फ्रेंड, क्योंकि हाथ से इसमें अच्छे से मिक्स होगा। ये देख सकते हैं आप, पानी हमें बिल्कुल भी नहीं डालना है। बाद में जब हम भजिया मंगौड़ी बनाने लगेंगे, तेल में तलने लगेंगे, जब हम थोड़ा सा पानी इसमें डाल सकते हैं। तो अभी हमें इन सबको मिक्स करना है इस तरीके से, देख सकते हैं फ्रेंड, ये हमारा सारा इस तरीके से मिक्स हो गया। और बस अब हमें हम गरम गरम तेल में तलेंगे। तो मेरी घर में इस हिसाब से मंगोड़ी बनती है। तो चलिए फ्रेंड, हमारा तैयार है मूंग की दाल की पकौड़ी का बेटर। तो अब हमारी कढ़ाई भी गर्म हो गई है, तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके और हाथ से ही हमें बनाना है छोटी छोटी पकौड़ियाँ इस तरीके से हमें। इस तरीके से पकौड़ियों को हमें ऑयल में आराम से डालना है। आपको बिल्कुल आराम से हाथ को थोड़ा सा दूर करके कढ़ाई से और बनाना है, बिल्कुल पास में नहीं करना है फ्रेंड। तो देख सकते हैं फ्रेंड, हमारी पकौड़ियाँ तलाने लगी हैं। गैस को हमें तेज़ी रखना है और बस इनको धीरे से हल्के हाथों से इनको एक बार
उलट पुलट कर देना है, देख सकते हैं ये झटपट से बन जाती हैं फ्रेंड ये पकौड़ियाँ, इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है मूंग की दाल की। तो ये देखिए, और ना इसमें ज़्यादा सामान लगता, बस इस तरीके से आप इनको, तो देख सकते हैं फ्रेंड हमारे पकौड़े ये देखिए कितने अच्छे ब्राउन हो गए हैं। और अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे, तो बस इसी तरीके से हम पकौड़ों को निकाल लेंगे प्लेट में, और हमारी पकौड़ी गर्मा गर्म मूंग की दाल के मंगोड़ी तैयार है। तो देख सकते हैं फ्रेंड हमारी गर्मा गर्म हरी मिर्च के साथ मंगोड़ी तैयार है, मूंग की दाल की और भी की सब्जी के साथ। ये भी की सब्जी के साथ इतनी टेस्टी लगती हैं कि बहुत ही टेस्टी। तो फ्रेंड अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में भी बताइए कैसी बनी है ये पकौड़ी मूंग की दाल की। इंजॉय।